तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का सबसे प्रभावशाली और चमत्कारी वशीकरण टोटका। सबसे पहले क्या करना है मित्रों, किसी भी मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके घर में पूजा के कमरे में जिसको भी आप मानते हैं उसका पूजा करके एक थाली में पीला चावल, कुमकुम, पुष्प, किसी प्रकार का फूल ले सकते हैं, धूप, अगरबत्ती और एक दिया और थोड़ा सा गुड़ थाली में रख के किसी जंगल में या खेतों की तरफ चले जाइए। जाने के बाद मित्रों वहां पर आप एक अपामार्ग जिसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कहीं ओंगा कहते हैं, कहीं चिरचिचा कहते हैं, कहीं अपामार्ग कहते हैं। जी हाँ मित्रों, इस पौधे को आपको ढूंढना है। ढूंढने के बाद उस अपामार्ग के पौधे को उत्तर की तरफ अपना मुख करके उसका पूजा अर्चना करना है। पूजा के लिए जो हम घर में घर से लेके गए हैं धूप दीप अगरबत्ती पीला चावल फूल ये आपको चढ़ाना है। भोग के लिए जो गुड़ शक्कर लेके गए हैं उसे चढ़ाना है। ऐसा आपको विधिवत उनका पूजन करना है। पूजन करने के बाद मित्रों उस अपामार्ग के बीज को निकालना है। निकालने के बाद उसे पाउडर बना लीजिए, पीस करके पाउडर बना लीजिए घर में ला करके। फिर उस पाउडर को मित्रों अपने पास पूजा के स्थान पर रख लीजिए घरों में। फिर मित्रों आप इसे जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसका प्यार पाना चाहते हैं, उसे भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ के स्मरण करके सच्चे मन से यह विश्वास करके भगवान शंकर का ध्यान करके इस चूर्ण को चुपके से किसी भी प्रकार से अब जिसका आप प्रेम पाना चाहते हो उसे खिला दीजिए। फिर मित्रों देखिएगा ये इतना प्रभावशाली और इतना चमत्कारी टोटके हैं, ये कभी खाली नहीं जाएगा मित्रों, आपका प्यार आपको निश्चित ही मिल जाएगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, यह क्रिया अगर पुष्य नक्षत्र में जब मंगलवार के दिन अमावस्या हो उस दिन करें तो और ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। वैसे किसी भी दिन देख के कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताए हुए टोटके अच्छे लगते होंगे तो मेरे इस टोटके को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे सभी टोटकों से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को जरूर दबाइए।